चलिए बढ़ेंगे आगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के दावे पर आज सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई होगी। आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी तो शाही ईदगाह और सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की 7 रूल 11 की दलील पर हिंदू पक्ष आपत्ति दर्ज कराएगा। तो कोर्ट में 7 रूल 11 के तहत केस सुनने योग्य है या नहीं इस पर मुस्लिम पक्ष बहस चाहता है। हिंदू पक्ष विवादित स्थल की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कोर्ट कमीशन भेजकर सर्वे चाहता है। तो हिंदू पक्ष का ये कहना है कि शाही ईदगाह में मौजूद हिंदू स्थापत्य कला के सबूतों के साथ मुस्लिम पक्ष छेड़छाड़ कर रहा है। और अब कानपुर से बड़ी खबर, जहां बता दें 3 जून हिंसा के मामले में न्यूज स्टेट का एक और बड़ा खुलासा। अब अरब देशों से प्रदर्शन के नाम पर चंदा लेता था हाजी वसी, तो चंदे के पैसों को रियल एस्टेट के धंधे में लगाकर बड़ा बिल्डर बना था हाजी वसी। तो अब एक के बाद एक बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं और न्यूज स्टेट पर ये सबसे बड़ा खुलासा। तो पढ़ाई का वीडियो बनाकर अरब देशों से चंदे के पैसे लेता था। गिरफ्तारी से बचने के लिए बाइक पर बुर्का पहनकर कानपुर से फरार हुआ था हाजी वसी और अब वो पुलिस शिकंजे में है, जिससे लगातार पूछताछ जारी। और पूछताछ में अब तक कई बड़े खुलासे यहाँ पर हो चुके हैं। तो बड़ी जानकारी आपको कानपुर से दे रहे हैं। और अपीली भीत से बड़ी खबर, दावत इस्लामी के कनेक्शन खंगाल रही पुलिस। दावत इस्लामी के गुल्लक को लेकर ब्यौरा पुलिस की तरफ से जुटाया जा रहा है। चंदे और संचालित मदरसों की जांच के लिए टीमें गठित कर दी गई है। अब इन पर भी जांच होगी। एसपी दिनेश कुमार प्रभु ने टीम का गठन किया है। एलआईयू समेत एएसपी सीओ सिटी को जांच सौंपी गई है। दावत इस्लामी के संचालित मदरसों में स्टाफ से पूछताछ जारी। तो दावत इस्लामी के कनेक्शन को पुलिस की तरफ से खंगाला जा रहा है। पीलीभीत से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।